मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले व्लॉग में प्रॉमिस करा था कि आज के व्लॉग में हम आपको देंगे अपने होटल का रूम टूर। तो होटल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और मैंने मेन डोर से एंट्री कर ली है रूम के अंदर। तो हमारा रूम शुरू हो गया है। यहाँ पर है स्टडी टेबल, चेयर और कॉफ़ी मशीन। कॉफ़ी मशीन की तो बहुत सख्त ज़रूरत थी, पर ये ना पॉड्स वाली, हाँ पॉड्स वाली है ये तो। डिफरेंट नहीं नहीं, डिफरेंट तरीके के पॉड्स हैं। हाँ मतलब थोड़ी डिफरेंट मशीन, थोड़ी हाँ मशीन थोड़ी डिफरेंट है। और यहाँ पर एक मैगजीन भी पड़ी है जिसपे लिखा है मनी जिसकी ज़रूरत हर किसी को हर वक्त होती है। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते भाइयों और बहनों। और ये है हमारा छोटा सा लिविंग रूम। तो ये सोफ़ा कम बेड है, ये बेड भी बन जाता है। उन्होंने हमें क्या है भाई, ये मैक्रोन्स है। ओ माय गॉड, मैं पता करना चाहती थी आपको पता है कि नहीं पता। एंड यू गॉट सम वाइन, वो हम पीते नहीं। आप तो ड्रिंक करते नहीं, तो उन्होंने मेरे लिए दी है। सो आई नी गॉट सम आइस फॉर मी। नहीं कोई आइस नहीं है। सौरभ थोड़ा एसी बंद कर दो कि बेबी। तो ये मुझे चेयर्स बड़ी पसंद आई हैं। आई लाइक इट, आई लाइक इट। और ये है, तो ये बालकनी नंबर 1। भाई खुलेगा कैसे? ऑन द लेफ्ट साइड। ये तुम खोलो प्लीज। और ये हमारा टीवी, टीवी तो दिखाना ही भूल गए थे हम। टीवी देखे आप। और ये है हमारा बंदा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में घूमता हुआ। और ये पानी की बोतलें फ्री है ना? चलो अच्छी बात है, यार फ्री की चीज पहले देख लेनी चाहिए। तो बालकनी का दरवाजा खुल चुका है, आपको सोफा और चेयर्स हम दिखा चुके हैं और वो स्टडी टेबल भी। और हाँ गाइस, एक लॉन्ग मिरर भी था। यहाँ से हम जाएंगे बाथरूम की तरफ। तो ये है हमारा टॉयलेट। अच्छा खासा बड़ा टॉयलेट है, विच इज नाइस। ये है बाथटब, बाकी सब कुछ आपको दिख ही रहा है। मुझे वाकई में टॉयलेट बहुत अच्छा लगा है, आई लाइक इट। यहाँ से क्या है? अच्छा, तो आप यहाँ से लिविंग रूम की तरफ जा सकते हो। अगर आप डोर को ऐसे कर दोगे तो आप बेडरूम की तरफ चले जाओगे। यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे वार्डरोब्स हैं। तो थोड़ा सा सामान रख दिया गया है वार्डरोब के अंदर। ओहो, हमारे गुच्ची के जूते इतने ऊपर क्यों रखे हैं भाई? साफ तो कर लेते, साफ कर लिए होंगे सौरभ ने। रूम स्लीपर्स दिए हुए हैं उन्होंने। मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आती है भाई, ये अमेनिटीज़ जो होती है ना, आई लव देम। यहाँ से शुरू होता है हमारा बेडरूम। तो बेडरूम में भी एक स्टडी टेबल है, चेयर है, टीवी है और किंग साइज बेड है। और बेडरूम के साथ भी हमारे पास एक बालकनी है। तो बुलाते हैं सौरभ को दोबारा एंड ही विल ओपन द डोर फॉर अस। क्या हो गया? तो एसी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। आप बालकनी का दरवाजा खोलो। हेलो, ये हमारे पड़ोसी हैं शर्मा साहब। हाँ जी शर्मा जी, ओ माय गॉड, सूरी से हमने शर्मा जी बना दिया तुम्हें। बच्चे को अंदर भगा दिया गया क्योंकि वो स्लीपर के बिना आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी धूप है, बाकी गर्मी है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा गर्म है बालकनी का फ्लोर, तो स्लीपर के बिना आएगा तो प्रॉब्लम होगी। अरे यार, तुमने मेरी बोट गलत जगह पे पार्क कर दी। ऐसे कहीं भी पार्क मत कर दिया करो तुम। गाइस पानी ना बहुत क्लियर है, अगर आप ध्यान से देखो। वो बोट वाला मजाक था, ठीक है, मेरी बोट नहीं है, देख रहे हो आप। ये वाकई में आपको ना नीचे ये पानी इतना क्लियर है कि नीचे की जगह नजर आ रही है।
यहाँ पर एक ब्लू लगून करके एक जगह है, वहाँ हम आपको लेके चलेंगे। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है इस टाइम। तो बस मैं अंदर आ चुकी हूँ। तो ये था हमारे रूम का टूर, बेडरूम, वार्डरोब्स, बाथरूम, मेन सिटिंग एरिया और हमारा मेन डोर। बड़ी सारी चीज़ें आगे आ रही हैं कैमरे के। तो कैसा लगा आपको हमारा होम टूर, नहीं होटल का रूम टूर? और मैं आ चुकी हूँ एग्जैक्ट लाउंज में और दबा कर खा रही हूँ, बहुत भूख लगी हुई है। मुझे लगता है एग्जैक्ट लाउंज में चेक इन करा हमने। यस सीरियसली। आई थिंक द टॉक इज गोना बी वेयर वी गोना ईट ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग, एग्जैक्ट लाउंज, वेयर लंच, एग्जैक्ट लाउंज, वेयर सपर, एग्जैक्ट लाउंज, वेयर स्नैक्स, एग्जैक्ट लाउंज, वेयर डिनर, एग्जैक्ट लाउंज, वेयर पुडिंग, एग्जैक्ट लाउंज। तो ये है हमारा होटल, आप देख सकते हो। और ये हमारे होटल के बाहर ही एक प्यारी सी वॉक बनी हुई है, तो बस हम वहाँ जा रहे हैं। और ये रहा समंदर भाई, शावर वगैरह लगे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी नाइस। हम जैसे को तो स्विमिंग ही नहीं आती। अच्छा तेरी तो हमने देख ली थी आज, जो तेरा हादसा होते होते रहा है। आज ही तू डूबते डूबते बचा है, सीरियसली। और देखो ये आ चुके हैं, आओ डार्लिंग आओ। मम्मी मम्मी, इन्होंने जल्दी से फोन मुझे दे दिया, कह रहा है मेरा, मैं तो आई नहीं थी, ऐसे कैसे चलेगा। सॉरी सॉरी भाई, हट जाओ। आपने मेरा लुक तो दिखाया ही नहीं डार्लिंग, आपके पीछे हम आपका पीछे का भी तो लुक दिखाएंगे। थोड़ा बाल सेट है, बिल्कुल सेट है। आओ नीचे चलो, पानी में गिरो थोड़ा। दादा आओ, पानी में तो गिरो एक बारी, पानी में गिरो, ठीक हो तुम? आ जाओ अभी, सीढ़ी से नीचे जाएंगे बेटा। आई वो आई विल आस्क देम, वहां भी चल सकते हो। देखो वो रहा, बड़ी खूबसूरत जगह पे आ गए हैं, ये हमारे होटल के एकदम साथ में है। गाइस किना सीढ़ी चल रहा है, इन किना दिखाना प्लीज। बट लुक, वी कैन सी इट। तो इसका नाम है सेंट जूलियन बे और बड़ी प्यारी जगह है यार, आप बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स खिंचवा सकते हो। तो हम पिक्चर खींचने के लिए दोबारा आएंगे, हालांकि मैंने एक पिक्चर यहाँ पे क्लिक करवाई है। जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे वो इंस्टाग्राम पे आ चुकी होगी। और चलते हैं, सूरी साहब हमारे, कल मिलेंगे आपसे। और वो जो आप देख रहे हो ना सामने, वो कैसीनो है, ऐसा मुझे बताया गया है। आई डोंट नो कितना सच और कितना झूठ। अरे हम तो पति पे क्या, पति पे पता कितना विश्वास करती हूँ मैं। आज हम तीनों बहुत थके हुए हैं सीरियसली, है ना। तो हमने एक पार्क ढूंढ लिया है होटल के पास ही, प्यारा है यार, है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ रहने शुरू कर दूँ, पता इसको विश्वास नहीं हो रहा। ये हॉलिडे पे पार्क में बैठा हुआ है, इसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। भाई अब माँ बाप बने हो तो करना पड़ेगा ना ये सब कुछ। वो रहा हमारा बच्चा, वो पुलअप्स कर रहे हैं। भाई आज ना मुझे सिर्फ गर्म पानी पीना है, मेरी आवाज़ ठीक करनी, खाना तो खाना है, भूख लगी हुई। चलो अब लास्ट की बात खोल ही देते हैं, बहुत हो गया मोल्टा मोल्टा। हम कहीं नहीं है, हम अपना सुभाष नगर आए हुए हैं, वो देखो पीछे आप सुभाष नगर के फ्लैट्स, और अपना पार्क में बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई मोल्टा शोल्टा नहीं आए हम, है ना भाई। हाँ हम आए हैं डीडीए फ्लैट्स के पास, पीछे बैठे हम। ये देखो सामने डीडीए फ्लैट्स हैं अपने सुभाष नगर के, हम यहीं बैठे ले। हमने आपको सरप्राइज देना था, हम इंडिया में ही हैं। नहीं यार ये जगह सनग्लास पहन के देख सकता हूँ, यार ये जगह ना इतनी ज्यादा इंडिया इंडिया लगती है ना, यहाँ पे जितना रेजिडेंशियल एरिया ना वो बिल्कुल हमारे इंडिया की तरह ही है, फ्लैट्स और जहाँ पे घर है वो घर भी यू नो बालकनी वाले कोठियाँ, जो कोठियाँ होती हैं इंडिया में। सीरियसली I've seen this boy somewhere, what's your name, who is he, बेटा कौन हो आप, नाम क्या बेटा आपका, नाम क्या आपका, who are you, I've seen you somewhere। वो ऊपर चढ़ना है फिर नीचे उतरना है ना, तुम बचपन में गए नहीं ना पार्क, ये सब चीजें करनी होती हैं पार्क के अंदर। इतना एक्सट्रीम पार्क खा नहीं मारता सीरियसली।
स्विंग के अलावा कुछ नहीं मिलता था सीरियसली वो भी आधा टाइम टूटा ही रहता था नहीं अब तो पाक बहुत अच्छे होंगे इंडिया में लेकिन मैं बड़ा हो गया ना आई लाइक इट तुम और तुम्हारे वन लाइनर ये मेरा गला क्यों खराब हो रहा है अरे खराब था ही इसलिए हंस रहे हो कभी कभी ठीक हो जाता है बीच में तो खाना खाकर हम लोग वापस आ गए हैं और हम लोग आ गए हैं एग्जैक्ट लाउंज में तो ये है यहाँ का एग्जैक्ट लाउंज मैं कल आपको दिन के टाइम भी दिखाऊंगी लेकिन आज हम दिखाना ही भूल गए थे आपको तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्नैक्स पड़े होते हैं तो आप लोग आकर खा सकते हो तो प्रीति से मैंने टेक ओवर कर लिया है मैं क्या दिखा ही देता हूँ तो यहाँ पे वैसे मीट बॉल्स हैं ग्रेवी है टोस्ट हैं वेफर्स हैं चीज है जैम कॉफी मम्मी डोंट कॉफी तो कैनपीज है बहुत कुछ है यहाँ पे कॉफी है ब्लैक कॉफी ओके ड्रिंक्स भी हैं बहुत सारी where do they keep cups और ये बंदा भी है जो खाता ही रहता है मतलब किसी ने नहीं आना 10 बजे बंद कर देंगे हम खा लेते हैं सारे